नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। ईडी ने राज ठाकरे से 8.5 घंटे की पूछताछ, 80 करोड़ के ट्रांजेक्शन से जुड़े थे सवाल। कोहिनूर इमारत मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से ईडी 80 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन के बारे में जानना चाहती थी। पूछताछ के दौरान कई सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। आपको बता दें कि जिस साल आईएल एंड एफएस ने 90 करोड़ रुपए में अपने शेयर होल्डर किए थे उसी साल राज ठाकरे भी कंसोर्टियम से बाहर किए गए थे। नोटों का साइज बार बार बदलने से कोर्ट नाराज, आरबीआई को लगाई फटकार। अगर आप नोटों और सिक्कों के साइज बदलने से परेशान हैं और इससे आप नोट पहचानने में गलती कर जाते हैं तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, बड़ी संख्या में लोग ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा था कि वह करेंसी नोटों और सिक्कों के फीचर्स और साइज बार बार क्यों बदल रहा है। इस बारे में आरबीआई की तरफ से जवाब देने के लिए और समय मांगी गई है। इसके चलते कोर्ट ने फटकार लगाई है। चिदंबरम की गिरफ्तारी का पाकिस्तान में विरोध, सांसद रहमान मलिक ने कश्मीर से जोड़ा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी का पाकिस्तान ने विरोध किया है। पाकिस्तानी संसद के सीनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि धारा 370 पर सवाल उठाने के कारण पी चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया है। वह कश्मीर के हालात को ध्यान से हटाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुली छूट दे रखी है। सीनेटर ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में विपक्षी नेताओं की और गिरफ्तारी होगी ताकि सभी विरोधी आवाजों को दबाया जा सके। पेरिस में पीएम मोदी के जोरदार स्वागत से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, इमरान सरकार के मंत्री ने किया ट्वीट, हुए ट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और झुझुलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। वह नापाक हरकतों के जरिए रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर लगातार हमला कर रहा है, लेकिन उसे हर दांव उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इस बार इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस में हुए स्वागत ने इतना ज्यादा चिढ़ गए कि उन्होंने ट्वीट कर अपनी हताशा को जाहिर किया। इस ट्वीट के बदले यूजर्स ने उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया। 3 तलाक कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। मुस्लिम समुदाय में एक साथ 3 तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने वाले कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय विचार करने के लिए सहमत हो गया है। नए कानून के तहत ऐसा करने वालों को 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति एवी रमनन और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एक पीठ ने इस मामले में कई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को संविधान का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आधार पर इसे असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। पीठ के वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। खुर्शीद एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए थे। खुर्शीद ने पीठ से कहा है कि एक साथ 3 तलाक को दंडात्मक अपराध बनाने और करीब 3 साल की सजा होने समेत इसमें कई आयाम है, इसीलिए शीर्ष न्यायालय को इस पर विचार करने की जरूरत है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली की कोर्ट में किया सरेंडर, कहा बिहार सरकार से खतरा है। फरार चल रहे बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया है। विधायक ने लिखित तौर पर कहा है कि उन्हें बिहार सरकार से खतरा है। अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि 18 अगस्त से उन्हें बुखार था, इसीलिए वे गायब थे। उधर बिहार के बाढ़ क्षेत्र की लिपि सिंह के नेतृत्व में कुल 15 टीम दिल्ली आ चुके हैं। इस मामले की जांच का जिम्मा लिपि सिंह को सौंप दिया गया है। 16 अगस्त को अनंत सिंह के पैतृक आवास पर पुलिस की छापेमारी की थी, जिसमें से AK-47 और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए थे। मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विजेंद्र गुप्ता को भेजा नोटिस। मानहानि मामले में समन रद्द करने की मांग वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। इस मामले में अब 20 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 6ठी बार पहुंचे राज्यसभा, सदस्यता के लिए शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सिंह को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई है। सभापति के कक्ष में सिंह को शपथ ग्रहण करने के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। व्हाट्सएप लेकर के आ रहा है खास फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में एंड्रॉयड ऐप के बायोमेट्रिक ऑनलाइन फीचर को ऐड किया था। इस फीचर को कंपनी ने आईएसओ बीटा यूजर्स के लिए 3 महीने पहले लॉन्च किया था। अब फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने अपने आईएसओ यूजर्स के लिए नया बीटा अपडेट जारी किया है। इस नए बीटा अपडेट में मेमोजी स्टिकर्स का सपोर्ट किया जाएगा। वेब इटा इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को अगले आईएसओ 2.19.90 ऑफिशियल अपडेट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी नए फीचर के आने से एप्पल आईफोन यूजर्स मेमोजी और पर्सनलाइज्ड एनिमोजी क्रिएट और शेयर कर पाएंगे।
50 करोड़ मजदूरों के लिए खुशखबरी। सरकार के इस कदम से अब सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। सरकार के 50 करोड़ श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के योग्य बनाने के लिए मजदूरी कोड पर श्रम संहिता को नोटिफाई किया है। 8 अगस्त 2019 को विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है, जिसके बाद कानून और न्याय मंत्रालय ने इसे राजपत्र में प्रकाशित किया है। यह सरकार के श्रम सुधार पहल में प्रकाशित 4 श्रम कोडों की श्रृंखला में पहला कदम है। इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस कानून में राज्यों द्वारा कामगारों को डिजिटल मोड में वेतन के भुगतान करना होगा। अब न्यूनतम वेतन मुख्य रूप से स्थान और कौशल पर आधारित होगा। पेमेंट न चुकाने के चलते देश के 6 एयरपोर्ट पर तेल कंपनियों ने एयर इंडिया को फ्यूल देना बंद किया। संकटग्रस्त सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के ऊपर 3 तेल विपणन कंपनियों का करीबन 4,500 करोड़ रुपया बकाया है। बकाए के भुगतान के करीबन 7 महीने देरी हो चुकी है, जिसके चलते तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति रोकने को बाध्य होना पड़ रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने देश के 6 हवाई अड्डों कोचीन, पुणे, पटना, रांची, विशाखापट्टनम और मोहाली की एयर इंडिया को विमानन ईंधन देना बंद कर दिया है। यूएन ने प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के सद्भावना दूत पद से हटाने की पाकिस्तान की मांग को ठुकराया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को कश्मीर पर उनके रुख की वजह से यूनिसेफ के सद्भावना दूत पद से हटाने जाने की पाकिस्तान की मांग के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा है कि प्रियंका चोपड़ा को खुद से संबंधित मुद्दों पर निजी तौर पर बोलने का अधिकार है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में यह बयान सामने आया है जब एक दिन पहले ही पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री सिरीन मजारी ने कहा था कि कश्मीर पर भारत सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले प्रियंका चोपड़ा को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सद्भावना दूत पद से हटा देना चाहिए। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिका ने फिर कहा, भारत पाक कहे तो कश्मीर पर मध्यस्थता को तैयार। सोमवार को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिका ने एक बार फिर से कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान की सहायता को तैयार है, बशर्ते दोनों पक्ष इसके लिए कहे। उन्होंने कहा है कि ट्रंप घाटी के हालात और इसके व्यापक असर के मद्देनजर बहुत गंभीर है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका कश्मीर घाटी के हालात पर करीबी से नजर रख रहा है। हम लगातार शांति और संयम का आह्वान कर रहे हैं। हम कश्मीर के घटनाक्रम की वजह से पड़ने वाले व्यापार असर और क्षेत्र के संभावित अस्थिरता को आशंका पर संज्ञान ले रहे हैं। राष्ट्रपति इस पर बहुत गंभीर हैं। कश्मीर मामले पर श्रीलंका ने खोली इमरान की पोल, हर तरफ उड़ाई जा रही पाकिस्तान की खिल्ली। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस बार पाकिस्तान को बेइज्जत किया है पड़ोसी देश श्रीलंका ने। कोलंबो में इमरान के दूत ने कश्मीर को लेकर के श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम लेकर के एक तरफा बयान जारी कर दिया। उसके कुछ घंटों के अंदर ही श्रीलंका ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोल करके रख दी। कश्मीर को लेकर के बौखलाए इमरान और उनके मंत्रियों की हरकत इस तरह खराब हो गई है कि वे खुलेआम झूठ का जुआ खेल रहे हैं और उसी में फंसते जा रहे हैं। अमित शाह बोले, सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं पीएम मोदी। उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेता बताया है। मजबूत इच्छा शक्ति से प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कदम उठाए जिसे कभी किसी सरकार ने सोचा तक नहीं होगा। मोदी सरकार की नीतियों में गरीबों के कल्याण के प्रति चिंता और अंत्योदय का भाव स्पष्ट नजर आता है। सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। अमित शाह ने कहा है कि जनधन, मुद्रा, सौभाग्य, स्वस्थ भारत, श्रम मानधन पेंशन, किसान पेंशन, लघु व्यापारी मानधन जैसे दर्जनों योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आम जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। चिदंबरम पर हुई कार्रवाई को तेजस्वी यादव ने बताया राजनीतिक बदला, कहा न्याय जरूर मिलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम पर हुई कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत पहले से यह कहते आ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी बीजेपी की सेल की तरह काम कर रही है। विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, यह सब राजनीतिक बदला है। हम लोग कानून पर पूरा भरोसा करते हैं और मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। पेरिस में बोले पीएम मोदी, नए भारत में भ्रष्टाचार, 3 तलाक और परिवारवाद की कोई जगह नहीं। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह कार्यक्रम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे, उन्हें स्वागत में लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में उठकर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और कहा, पहले राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की अपील की। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? फटाफट इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।